So very good evening guys welcome to the रिशम आइस अकेडमी YouTube channel. And in this video of न्यूज पेपर एडिटोरियल एनालिसिस आज जिस आर्टिकल के बारे में बात हमारी होगी वो दिंदू में से है तो आप आर्टिकल के टाइटल में देख सकते हैं जो बात लिखी गई है वो है नीडिड new अप्रोच टू डेटा प्रोटेक्शन फॉर माइनर्स तो आपको पता होगा कि हमने कई आर्टिकल्स के अंदर पहले पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात की है और आपको याद होगा कि इंडिया के केसेस में जब हम पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट के बारे में बातें कर रहे थे या जब वो रेडी हो रहा था बिल आपका तो कई आर्टिकल्स हमने पढ़े थे जहाँ पे हम इंटरनेशनल जो डेटा के स्टैंडर्ड्स हैं जैसे यूरोप के स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन या अमेरिका के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट फॉलो होता है जिसको हम सेल्फ़ रेगुलेशन की बात भी करते हैं यहाँ जो बात है वो डेटा प्रोटेक्शन के बारे में तो है ही है पर इस्पेशली माइनर्स के लिए है कि एक नई अप्रोच की हमें ज़रूरत है जहाँ पे आप डेटा प्रोटेक्शन फ़ॉर माइनर्स की बात करना चाह रहे हो तो पहले ज़रा पंच लाइन में एक बार देख लेते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्लेटफॉर्म्स मतलब ये जो दो प्रिंसिपल हैं कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन और मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्लेटफॉर्म्स शुड इन्फॉर्म इंडियाज़ अप्रोच टू डेटा प्रोटेक्शन फॉर माइनर्स कि माइनर्स के लिए जब हम डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हमारे अप्रोच को गाइड करने के लिए ये दो प्रिंसिपल्स होने चाहिए जहाँ पर एक तो बच्चों के बेस्ट इंट्रस्ट को ध्यान में रखा जाए और दूसरा जो प्लेटफॉर्म्स मतलब जो डेटा हॉस्ट करते हैं जहाँ पे बच्चे कंटेंट देखते हैं फिर चाहे वो कोई भी ऐप है या कोई भी वेब प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए तो वो हमारा एक मेन आर्टिकल है और आज से हम एक और नई चीज़ शुरू कर रहे हैं आर्टिकल से पहले जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दिया करूँगा कि ये हमारे यू के लिए जो हमारा सिलेबस है तो जनरल स्टडीज़ थ्री जो है गाइज़ हमारा उसका ये टॉपिक है टेक्नोलॉजी के बारे में जब बात होती है डेटा प्रोटेक्शन को लेके और जी एस टू के अंदर भी हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑर्गेनाइजेशंस की या ओवरऑल एक सोसाइटल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें जहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है सोसाइटल uh, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कि वो किस तरीके से यूज़ करते हैं इन सो कॉल्ड चीज़ों को तो ये वो चीज़ है तो याद रखिएगा जनरल स्टडीज टू का भी है थोड़ा बहुत और जनरल स्टडीज थ्री का तो मेन है ही तो चलिए देखते हैं क्या मेन चीज है सो so, कहते हैं हाउ फ्रीली शुड इंडियन टीन एजर्स एक्सेस द इंटरनेट एंड वट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डू प्लेटफॉर्म्स हैव टू देयर माइनर यूजर्स वेल दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आंसर करेक्टली टू अचीव इंडियाज डिजिटल एम्बिशंस द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू करंटली प्रोवाइड फॉर मैंडटरी पेरेंटल कंसेंट फॉर ऑल डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ बाई चिल्ड्रन और उसको डिफ़ाइन किया गया है कि कोई भी वो इंसान कोई भी पर्सन एजड अंडर एटीन ईयर्स तो हमारे अभी जो हमारा कम से कम जो बिल है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो ड्राफ्ट स्टेज़ में है उसके द्वारा तो हाल ही में यही बोला गया है कि मैंडेटोरी पेरेंटल कंसेंट उन बच्चों को देना ही पड़ेगा जिनकी उम्र अभी 18 से कम है पर कहते ऑथर बोल रहे हैं कि ये जो अप्रोच है हाउ एवर मिसिज़ द मार्क ऑन टू फ्रंट्स दो मेन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये अप्रोच हमारी मिस करती है वही पंचलाइन के अंदर जो दो मेन अप्रोचेज़ उन्होंने बताई कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ़ द चिल्ड्रन ध्यान में नहीं रखे जाते और दूसरा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो नहीं है तो क्या उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट इंस्टेड ऑफ इंसेंटिवाइजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू प्रोएक्टिवली बिल्ड सेफ़र एंड बेटर सर्विसेज़ फॉर माइनर्स द बिल रिलाइज़ ऑन पेरेंट्स टू ग्रांट कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड इन ऑल केसेस बाकी बात तो सही है कि आप प्लेटफॉर्म्स को बेटर बनाने की बजाय आप जो बिल है वो पेरेंट्स के ऊपर ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है कि वो बच्चे के लिए कंसेंट जो है वो हर केसेस में दें मैं ये नहीं कह रहा कि उनको देना नहीं चाहिए पर बात ये है कि हर केसेस में दे नहीं पाते ना कई बार मतलब सामने नहीं होते या कोई और सिनेरियोस में तो इन दैट केस मतलब अगर किसी इंफॉर्मेशन को वो एक्सेस कर रहा है तो वो कैसे करेगा उनकी एबसेंस में सो इन अ कंट्री विद लो डिजिटल लिटरेसी वेअर पेरेंट्स इन फैक्ट ऑफ्टन रिलाई ऑन देअर चिल्ड्रन टू हेल्प दैम नैविगेट द इंटरनेट वेल दिस इज़ एन इन इफेक्टिव अप्रोच टू कीप चड्रन सेफ ऑनलाइन बिल्कुल सही बात है कितनी दफ़ा आपने देखा होगा कि देखिए पेरेंट्स को खुद नहीं पता होता कई बार उन चीज़ों के बारे में वो बच्चों से पूछ रहे होते हैं कि इसको कैसे चलाना है सो इन दैट केस पेरेंटल कंसेंट अगर आप मैंडेटरी कर भी रहे हो तो ये एक वायबल अप्रोच नहीं है दूसरा कह रहे हैं कि इट डज़ नॉट टेक इन टू अकाउंट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड अ स्टैंडर्ड ओरिजिनेटिंग इन द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड नाइनटीन एटी नाइन टू विच इंडिया इज अ सिग्नेटरी तो कहते ऐसे काम करके आप अपने जो कन्वेंशन है जिसके आप सिग्नेटरी भी हो आप उस कन्वेंशन को पूरा नहीं कर रहे वेल इंडिया हैज़ अपहेल्ड दिस स्टैंडर्ड इन लॉज जैसे कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट टू थाउजेंड फाइव राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पल्सरी एडुकेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्राम सेक्शुअल अफेंस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेल्व जो हमारा पॉक्सो एक्ट है पर कहते है, हर कानून के अंदर जो हमने इस्पेशली बच्चों के लिए बनाए हैं चाहे वो एडुकेशन का हो और चाहे वो चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन की बात हो चाहे वो सेक्शुअल अफेंस से बच्चों को बचाने की बात हो हर जगह हमने इस कन्वेंशन के गाइडलाइंस को अपहोल्ड किया है पर ये एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे हम बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को नज़रअंदाज कर रहे हैं सो हाउ एवर इट हैज़ नॉट बीन अप्लाइड टू द इशू ऑफ डेटा प्रोटेक्शन द बिल डज नॉट फैक्टर इन कि हाउ टीन एजर्स यूज वेरियस इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड पर्सनल डिवेलपमेंट एंड हाउ सेंट्रल इट इज़ टू द एक्सपीरियंस ऑफ एडोलसेंट्स दीज डेज बिल सबसे बड़ी बात है कि इग्नोर करता है कि बच्चे कैसे आजकल खुद को आप कह सकते हो कि एक्सप्रेस करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं अपना डिसेंट अपना ग्रीफ अपने इमोशंस अपना पेन और कितना ज़रूरी हो गया है आज की डेट में कि बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के प्लेटफॉर्म्स को तैयार किया जाना चाहिए और एक ऐसे पार्ट के ऊपर आप बिल्कुल मिस अपॉन कर रहे हो So, from taking music lessons to preparing for examinations to forming communities with people of similar worldviews, the internet is a window to the world. So, while the bill does allow the government to provide exemptions in the future from strict parental consent requirements, uh, profiling, FIT tracking prohibitions, etc., this whitelisting process does not acknowledge the blurring lines between Ki, what a platform can be. यूज्ड फॉर हालांकि कहते बिल में ये बात लिखी ज़रूर हुई है कि आने वाले समय में जो पेरेंटल कंसेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो धीरे धीरे कहते हम कम करेंगे एंड विल गिव द टीन एज यूज़र्स अ फ्री एक्सेस टू द इंटरनेट पर वैसे वो मेन बात बता रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ये जो आपने कैटेगराइज़ किया है कि हम इस चीज़ से भी पेरेंटल कंसेंट हटा देंगे फिर हम उस चीज़ से भी हटा देंगे ये कहते उस बात को एक्नॉलेज नहीं कर रहा कि प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्चुअली में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आप वो नहीं दे रहे जबकि आप उसको नजरअंदाज करके यू आर गिविंग ऑल द राइट्स या आई शुड से यू आर पुटिंग ऑल द एग्ज इन वन बास्केट रादर देन मेकिंग द प्लेटफॉर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फॉर एग्जाम्पल कि इंस्टाग्राम इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बट इज़ रेगुलरली यूज एज एन एडुकेशनल एंड प्रोफेशनल डिवेलपमेंट टूल बाय मिलियंस ऑफ आर्टिस्ट अराउंड द वर्ल्ड सो अनदर इशू इन द करंट ड्राफ्ट ऑफ दी ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इज़ दैट कि ईच प्लेटफॉर्म विल हैव टू ऑबेन वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट इन द केस ऑफ माइनर्स सो दिस प्रोविजन इफ इनफोर्सड स्ट्रिक्टली कैन चेंज द नेचर ऑफ द इंटरनेट एज वी नो इट क्योंकि एटीन के नीचे फिर अगर आप मैंडेटरी पर्सनल कंसेंट की बात करते हो और वो भी वेरीफाई करके आप बोल रहे हो कि पेरेंटल कंसेंट uh, देना है तो ये बात बता रहे हैं ऑथर्स की फिर ये तो पूरे तरीके से बदल देगा एक इंटरनेट के स्पेस को वेल सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल कि इफ़ द यूजर इज़ अ माइनर विदाउट कन्फर्मिंग देयर एज प्लेटफॉर्म्स विल हैव टू वेरीफाई द एज ऑफ एवरी यूजर ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए फिर आप अपना डेटा भी दोगे आप कोई आईडी भी अपलोड करोगे तो वहाँ पे फिर आप फर्दर एक बात करोगे कि मेरा जो प्रिवेसी है फिर वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रही है So government will prescribe later ki whether verifiability will be based on ID proof or facial recognition or reference based verification or some other means. Whatever form verifiability takes, kuch bhi ho, all platforms will have to now manage significantly more personal data than before and citizens will be at greater risk of harm such as data breaches, identity thefts etc. बात तो देखो बिल्कुल सही है कि अगर आप अपनी एज को वेरीफाई करने के लिए आईडी प्रूफ दे रहे हो आधार नंबर है या खुद की फोटो अपलोड कर रहे हो तो डेफिनेटली कल को ये डर तो रहता है कि वो प्लेटफॉर्म्स डेटा को कैसे मैनेज करते हैं सो वी नीड टू शिफ्ट आर अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रंस डेटा बिफोर दिस बिल इज ब्रॉड टू पार्लियामेंट वो कैसे संभव है टू अवॉइड द फॉली ऑफ ट्रीटिंग अनईक्वल्स इक्वली एंड ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस टू द इंटरनेट फॉर टीन दीज स्टेप्स आर नीडेड तो क्या क्या आप कर सकते हो जैसे पहला तो उन्होंने कहा कि वी शुड मूव फ्रॉम अ ब्लैंकट बैन ऑन ट्रैकिंग मोनिटरिंग एक्सेट्रा एंड अडॉप्ट रिस्क बेस्ड अप्रोच टू प्लेटफॉर्म ऑब्लीगेशन ये जो कहते हैं पूरी तरह से हम ब्लैंकेट बैन की बात कर रहे हैं ये जो uh, पूरा एक मतलब सारे कैटेगराइजेशन को हम एक ही अंदर रख रहे हैं उसके बजाय ज़्यादा बेटर है कि अगर हम एक रिस्क बेस्ड अप्रोच को फॉलो करें और प्लेटफॉर्म्स को ऑब्लिगेशन uh, ज़्यादा दें कि और उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए कि भैया आप जो कंटेंट दिखा रहे हो और कौन बंदा देख रहा है या कौन सामने यूज़र है तो वो कितना टाइम उस चीज़ पे बिता रहा है तो आप उस चीज़ को ट्रैक करके वो डेटा बेस्ड एक पॉलिसी मेकिंग बनाई जा सकती है जैसे लिखा उन्होंने कैसे कि प्लेटफॉर्म्स शुड बी मैंडेटेड to undertake risk assessment for minors and not only perform age verification related corresponding obligations but also design services with default settings and features that protect children from harm. हाँ। जैसे मान लीजिए अगर कोई उनको पता चल रहा है कि जब उन्होंने age verification related obligations अपनी पूरी कर ली तो उसके बाद ऐसा content जो उनको पता है कि वो child pornography की तरफ लेके जाता है या unwanted ads है या फिर कोई ऐसे लिंक्स आपके ओपन होते हैं तो वो पहले ही मतलब ब्लॉक्ड हों उनका एक्सेस ब्लॉक हो सो दिस अप्रोच विल ब्रिंग इन एन एलिमेंट ऑफ को रेगुलेशन बाई क्रिएटिंग इंसेंटिवस फॉर प्लेटफॉर्म्स टू डिज़ाइन बेटर प्रोडक्ट फॉर चिल्ड्रन तो पहले तो हमें यही काम करना है दूसरा है कि वी नीड टू रिलैक्स द एज ऑफ मैंडेटरी पेरेंटल कंसेंट फॉर ऑल सर्विसेज टू थर्टीन ईयर्स इन लाइन विद मैनी अदर जू अराउंड द वर्ल्ड जबकि हमने रखा हुआ है एटीन ईयर्स सॉरी तो वो ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारा कंसेंट है जो हम कहते हैं अठारह साल के ऊपर ये जो मैंडेटरी पेरेंटल कंसेंट की बात कर रहे हैं इसकी जो लिमिट है इसको मिनिमम थर्टीन कर दिया जाए सो बाय रिलैक्सिंग कंसेंट रिक्वायरमेंट्स वी विल मिनिमाइज डेटा कलेक्शन एक तो ऑब्वियस बात है कि तेरह से लेकर और अठारह के बीच में आप सोच के देखिए कितना बड़ा नंबर है बच्चों का तो उनको Uh, मतलब अपनी एज वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इसका मतलब इससे क्या हो जाएगा कि एक तो डेटा कलेक्शन मिनिमाइज़ हो जाएगी विच इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट द बिल इज बिल्ट ऑन एंड दिस रिलैक्सेशन इन एज ऑफ कंसेंट इन टैंडम विद द रिस्क मिटिगेशन अप्रोच एल्यूसीडेटेड अबव विल अचीव प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन ऑनलाइन वाइल अलाउइंग दम एक्सेस पर कहते ये जो वैसे भी कहते हैं आज की डेट में जब हम कंसेंशुअल बेस्ड मतलब चीज़ों की ज़्यादा बात करते हैं कि अगर उनका पर्सनल कंसेंट है उस चीज़ के अंदर तो वो चीज़ बिल्कुल ठीक है तो कहते ये जो रिलैक्सेशन है आप दोगे और ऊपर से कहते जब डेटा मिनिमाइज़ uh, हो जाएगा तो फिर कहते डेटा प्रेवेसी का ज़्यादा खतरा भी नहींगा प्लेटफॉर्म्स को तो ये ज़्यादा बेटर सर्व करेगा जो हमारा ओरिजिनल बिल का पर्पस भी है देखिए मैं मोरालिटी में नहीं जा रहा यहाँ पे मोरालिटी की बात तो बिल्कुल अलग है कि मतलब तेरह साल या चौदह साल के बच्चे को देखो अगर आप पेरेंटल कंसेंट उसने नहीं देना और वो खुद अपने डिसीजन ले रहा है यहाँ पे तो एक सिनेरियोस में हमें ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखो इससे डिसीजन मेकिंग प्रमोट हो रही है पर ऑन दी अदर हैंड आप ये भी देखो कि जो हम प्रिवेंट कर सकते थे बींग uh, टीचर्स या बिंग पेरेंट्स या बींग एल्डर्स या एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो uh, जो एक हैंड है वो जो एक रेगुलेटिंग हैंड है आप कहीं ना कहीं पे उसको मिनिमाइज भी कर रहे हो बाकी पर्सनल ओपिनियन है देखिए तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं कि दिस सॉल्यूशन ड्रॉज ऑन द एक्सपीरियंस एंड डेलिबरेशन इन द यूनाइटेड किंगडम एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर एज अप्रोप्रिएट डिजाइन कोड्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड सो टू टेलर दिस सॉल्यूशन टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो कंडक्ट लार्ज स्केल सर्वेज ऑफ बोथ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स टू फाइंड आउट मोर अबाउट देयर ऑनलाइन हैबिट्स डिजिटल लिटरेसी प्रेफरेंसेस एंड एटीट्यूड सो दैट कि हमें बेटर समझ में आ सके uh, कि हमें जो इंटरनेशनल uh, जगहें हैं जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स के अंदर हमारा एज स्पेसिफिक जो कोड्स आपने बनाए हैं क्या वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर वैलिड हैं या नहीं सो वी मस्ट डिज़ाइन अ पॉलिसी इन इंडिया दैट बैलेंसेस द सेफ्टी एंड द एजेंसी ऑफ़ चिल्ड्रन ऑनलाइन सो वी शुड नॉट पुट द ऑनर्स ऑफ कीपिंग अर यंग सेफ ओनली ऑन पेरेंट्स बट इन स्टेड इट शुड मेक इट अ सोसाइटी वाइड ऑब्लिकेशन और वह तभी संभव है जब प्लेटफॉर्म्स को ओबलाइज uh, किया जाए कि क्या कंटेंट वो दिखा रहे हैं और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन को ध्यान में रख के पॉलिसीज बने सो वी हैव टू गेट दिस पार्ट ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क राइट एज इंडियाज टैकेड कैन नाट बी रियलाइज विदाउट इट्स यंग तो कहीं ना कहीं देखिए बात तो वो कर रहे हैं कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड को आपने कैपिटलाइज़ करना है वो भी आने वाले इस दशक में जो हम टैकेट बता रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है तो बिना हम इसमें तो कोई दाई नहीं है कि एक एम्पावर्ड सिटीजनरी के बिना तो बात नहीं बनेगी अवेयर सिटीज़न्स के बिना तो बात नहीं बनेगी एंड सिंस वी हैव द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज यूथ तो हम डेफिनेटली चाहते हैं कि एक जो इंक्रीज्ड डिसीजन मेकिंग है वो डेफ़िनेटली होनी तो चाहिए तो बहुत ही क्लासिकल सा आर्टिकल है आपके पास कि एक नई अप्रोच की हमें ज़रूरत है डेटा प्रोटेक्शन के लिए माइनर्स के लिए जहाँ पे दो बड़े प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन और दूसरा मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्लेटफॉर्म्स सो दिस इज़ द आर्टिकल वी हैव गई काफ़ी दिनों के बाद आज हम बात कर पा रहे हैं आर्टिकल्स uh, के बारे में और अब से हम एक बार फिर से आपको जो है वो देना शुरू करेंगे जो हमारे आर्टिकल्स के एनालिसिस हैं तो आई होप कि आपको बात पसंद आई है गाइस तो अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बाकी अगर कोई आपका फ़ीडबैक है तो शेयर भी कीजिए और जो पॉइंट्स हैं जैसे हमने कहा कि हम ये एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं कि आर्टिकल के अंदर मेन बात है क्या वो भी हम लास्ट में थोड़ा सा एक उसके बारे में डिस्कस ज़रूर किया करेंगे जैसे हमने किया कि दो मेन प्रिंसिपल्स के मेन बारे में बात हुई है और शुरू में हमने ये भी आपको बताया कि हमारे यू के किस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल आपका है जनरल तो चलिए जो लोग सुनते हैं वो तो अलग बात है आपको तो मतलब एक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप गेन कर रहे हैं पर अदरवाइज़ जो लोग यू के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये जी एस का जो मेन एक टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग या डेटा प्रीवेसी या फिर डेटा प्रोटेक्शन गाइडलाइंस का जो हमारा मेन टॉपिक है और इवन जी टू के अंदर जब हमने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स के बारे में बात की तो वहाँ भी सिग्निफिकेंट है सो आई होप दैट यू आर लाइकिंग द आर्टिकल गाइज सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी इन दी अनदर आर्टिकल सो डू सब्सक्राइब गाइज एंड ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन इफ यूर लाइकिंग इट एंड ऑल्सो शेयर योर फीडबैक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज विल सी यू अगेन टेक केयर